हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो 20 दिसंबर से मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा, जो कि 1000 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे जब तक कि एग्जाम फिनिश नहीं होते। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो 1000 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आप आसानी से ओ लेवल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 40 में 40 क्वेश्चन कंप्लीट करके आएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि कंडीशन दी है, मेन करली ब्रैकेट्स लगे हैं, फिर इसके बाद इंट इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जो ए एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया हुआ है एंड फॉर लूप। तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि इसमें जीरो एक्स की वैल्यू जीरो दी है, तो जीरो लेस देन कंडीशन ट्रू होगी, फॉर लूप में जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ कंडीशन चलेगी, ये 10 टाइम्स चलेगा, फिर इसके बाद व्हाइल लूप में जाएगा, रिपीट करेगा, फिर इसके बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, विल बी प्रिंट एक्स इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर टू। कंसिडर द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इफ द साइज ऑफ I, F and C are 2 bytes and 4 bytes and 1 byte respectively, then the size of the variable is. ऑप्शन में क्या दिया है? 1 byte, 2 byte, 4 byte and 7 byte। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज C, 4 byte। 4 byte क्यों होगा? क्योंकि जो वेरिएबल y दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की साइज 4 byte होगी, क्योंकि यूनियन सबसे बड़े प्रकार के डेटा का मेंबर साइज के बराबर मेमोरी एलोकेट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी, 4 byte। क्वेश्चन नंबर 3। पिक अप द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से जो बिल्कुल अलग है उसे पहचाने। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अलग है वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं वो अलग हैं, कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, इसका आंसर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज आफ्टर द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। निम्नलिखित प्रोग्राम के चलने के बाद वेरिएबल एवरेज का मान क्या होगा? तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो हम प्रोग्राम दिया है इसको चलाएंगे, तो इंट सम इंडेक्स, यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, एक सम एंड इंडेक्स के नाम से, एंड फ्लोटिंग एवरेज दिया है। तो यहाँ पे सम इक्वल टू जीरो दिया है एंड फॉर लूप लगाया हुआ है, फॉर लूप सम इक्वल टू सम प्लस इंडेक्स। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, फिर इसके बाद कंडीशन दी है, सम में जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 100, ब्रेक लगाया है, फिर एवरेज इंडेक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज आई कॉमा जे कॉमा के आर इंटीजर वेरिएबल विद वैल्यू 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट दिस वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। माना कि आई जे के 3 इंटीजर वेरिएबल क्रमानुसार 1, 2 के 3 मान के साथ हैं, तो निम्नलिखित एक्सप्रेशन का मान क्या होगा? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो दे रखी है इसको चेक करना है। जैसे कि i बराबर 1 दिया हुआ है, j बराबर 2 दिया है एंड k बराबर 3 दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू जैसे ही हम इसमें पुटअप करेंगे, तो i j में क्या है 2 प्लस k, k में क्या है 3, 3 एंड 2 5 होगा। क्लियर? फिर ग्रेटर देन लगा हुआ है i प्लस 5, तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो और ऑपरेटर क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फॉल्स रिटर्न करता है, और फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे कंडीशन इज फॉल्स, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, आंसर इज सी, क्या करेगा, सी 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू -11 एंड b इज इक्वल टू -3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रिमाइंडर b। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हम इस ऑपरेटर में क्या करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर बचे, जो दो वैल्यूओं के बीच में रिमाइंडर शेषफल बचे उसी आंसर करेंगे। तो यहाँ पे -11 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, तो आंसर विल बी प्रिंट b, आंसर इज -2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। If c is a variable initialized to 1, how many will the following loop be executed?
यदि c एक वेरिएबल है जिसमें मान 1 है तो निम्नलिखित लूप में कितनी बार चलेगा। यहाँ पे while कंडीशन दी है, c में क्या दिया है, c में दिया हुआ है 1, क्लियर। तो यहाँ पे 1 दिया है, c की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू हुई तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर अगर कंडीशन यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर, फिर सी कंडीशन इज फॉल्स। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो जीरो रिटर्न करेगा। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है, अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो भी जीरो रिटर्न करता है। कंडीशन इज फॉल्स, नीचे आएगा एक्सप्रेशन सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू प्लस करेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे कितनी बार कंडीशन चलेगी, 59 बार चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई थी वैल्यू, तो यहाँ तक चलेगा। जैसे ही यहाँ पे 59 आएगा कंडीशन इज ट्रू, जैसे ही 60 हो जाएगा, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होता साइन तो कंडीशन 60 टाइम तक चलती, लेकिन यहाँ पे प्रिंट होगा 59, तो आंसर इज सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब करेक्टली अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, निम्न में से कौन सा स्टैटिक वेरिएबल का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज सी, दिस रिटेन्स इट्स वैल्यू थ्रू द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। स्टैटिक वेरिएबल एक ऑटोमेटिक वेरिएबल की तरह ही होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज सी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, इंट ए पॉइंटर बी सी एच इक्वल टू 25 पॉइंटर एंड ए बी एच इक्वल टू ए प्लस 30, तो ए की वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ पे प्लस करेगा एंड सी पॉइंटर रिटर्न करेगा, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी 25 55 25, क्लियर। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या होगा, सी एंड बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए इक्वल टू 0 ए एंड बी इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, बी इक्वल टू 2a, क्लियर। तो आंसर क्या होगा, बी इक्वल टू 2a। अब हम ट्रू फॉल्स को देखेंगे, ट्रू फॉल्स को किस तरीके से करेंगे, मैं उसी पैटर्न में ही बताऊंगा जो लेवल के एग्जाम होने हैं किस तरीके से, तो उसी पैटर्न में हम कंप्लीट करेंगे। जो 40 क्वेश्चन होंगे आज हम 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इसी तरह डेली वाइज मैं 40-40 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाऊंगा, क्लियर। हम क्वेश्चन नंबर 11, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिंट द मॉडुलस करेक्टर एज द फंक्शन प्रिंट ट्रीट्स एंड मॉडुलस एज द बिगनिंग ऑफ द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। करेक्टर को प्रिंट करना संभव नहीं है क्योंकि प्रिंट ऐप मॉडुलस को कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का शुरुआत मानता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स में, आंसर इज फॉल्स, क्लियर। तो आंसर क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अ स्ट्रक्चर कैन इंक्लूड वन और मोर पॉइंटर्स आर मेंबर्स। एक स्ट्रक्चर या एक से अधिक पॉइंटर को मेंबर के रूप में शामिल कर सकता है, तो आंसर इज ट्रू, बिल्कुल कर सकता है, क्लियर। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट इन सी। सी भाषा के में फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट रखना संभव नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे पूछा गया है इट नॉट पॉसिबल, इसमें पॉसिबल है, हम आउटपुट एंड इनपुट को यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी। सी भाषा में नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को रखना संभव नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स। सी भाषा में हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज करते हैं, तो आंसर इज फॉल्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस डज नॉट वर्क विद फ्लोट वेरिएबल। यहाँ पे पूछा गया है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस फ्लोट वैल्यू पर काम नहीं करता, तो आंसर क्या होगा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार ए इज द सेम एज अ एरे इन अ पैरामीटर डिक्लेरेशन।
क्या ए स्टार ए पैरामीटर डिक्लेरेशन में ए के समान है? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू, ये दोनों समान है, ए स्टार एंड ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन एरे, तो इसका आंसर क्या होगा? सी भाषा में स्ट्रिंग को एरे में दर्शाया जाता है, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंस देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर की सॉल्व होने की प्राथमिकता अर्थमेटिक ऑपरेटर से अधिक होती है, तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रक्चर कैन नॉट बी मेंबर ऑफ यूनियन, एक स्ट्रक्चर एक यूनियन मेंबर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा ट्रू एंड फॉल्स में? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटर प्लस पी प्लस प्लस इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ द लोकेशन पॉइंटर बाय पी, पॉइंटर पी प्लस प्लस वेरिएबल पी के द्वारा इंगित लोकेशन को कंटेंट की वृद्धि करता है, तो आंसर इज फॉल्स। क्लियर। आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं कितने क्वेश्चन हमारे गलत हुए कितने सही, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट पे हम करते हैं मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑपरेटर इन सी परमिट टू डिफरेंट एक्सप्रेशन टू अपीयर इन द सिचुएशन वेयर ओनली वन एक्सप्रेशन इज ऑर्डिनरी बी यूज्ड, सी भाषा में एक ऐसा ऑपरेटर जो दो अलग अलग एक्सप्रेशन को ऐसी जगह पर इस्तेमाल करने की सुविधा देता है जहां आमतौर पर एक ही एक्सप्रेशन काम कर लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑपरेटर है जो दो अलग अलग एक्सप्रेशन को एक ही जगह पर इस्तेमाल करने की सुविधा देता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज डी। क्लियर। तो पहले का आंसर क्या होगा? डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल इंटरनल टू फंक्शन कम इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, किसी फंक्शन के आंतरिक वेरिएबल जो उस फंक्शन के कॉल होने पर अस्तित्व में आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो स्पेस एलोकेट फॉर स्टोरेज ऑफ करेक्टर ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम, कंपाइलेशन के समय करेक्टर को स्टोर करने के लिए कोई भी स्टोरेज एलोकेट नहीं किया जाता, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज क्वेश्चन नंबर क्यू, कैर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इज अ पॉइंटर टू फंक्शन दैट रिटर्न अ पॉइंटर टू इंटीजर, पी एक फंक्शन के लिए पॉइंटर है जो एक इंटीजर पॉइंटर रिटर्न करता है, तो यहां पे क्या होगा जो पॉइंटर रिटर्न करता है? तो आंसर इज पी, इंटीजर एंड पी पॉइंटर को रिटर्न करता है, तो यहां पे आंसर इज पी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर, तो यहां पे आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, यूजफुल फॉर लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो आंसर इज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कंप्लीसिंग इन डायरेक्शन विद पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, पॉइंटर से स्ट्रक्चर को काम में लेना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 26 का? तो 26 का आंसर क्या होगा? आंसर इज ओ, एरो ऑपरेटर, यहाँ पे आंसर इज ओ। क्वेश्चन नंबर 27, रैंडम एक्सेस इन द फाइल स्पेसिफाइड थ्रू द फाइल डिस्क्रिप्टर, फाइल डिस्क्रिप्टर में बताई गई फाइल में रैंडम एक्सेस करना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज एपसीक फंक्शन के द्वारा हम रैंडम एक्सेस फाइल को स्पेसिफाइड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रिटर्न इनिशियलाइज्ड स्टोरेज इन रन टाइम में दिया गया स्टोरेज रिटर्न करता है, कौन करता है? तो आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज, यहाँ पे जे ऑप्शन मिसिंग है, तो यहाँ पे आंसर इसका होगा कैलॉग। क्लियर।
क्या होगा? केलॉग फंक्शन। एंड मैलॉक एंड केलॉग ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होते हैं, जो केलॉग मैलॉक रीलॉक। तो इसमें आंसर क्या होगा? रिटर्न इनिशियलाइज स्टोरेज इन रन टाइम। तो यहाँ पे केलॉग फंक्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे जे ऑप्शन में केलॉग मिसिंग हो गया, तो यहाँ पे केलॉग फंक्शन होगा। क्लियर? तो आंसर इज केलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल कैन बी डिफाइन इन सी विच ऑक्यूपाई लेस स्पेस देन कैरेक्टर वेरिएबल्स। सी भाषा में ऐसे वेरिएबल भी बनाए जा सकते हैं जो करेक्टर वेरिएबल से कम स्टोरेज स्पेस लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एन, बिट्स फील्ड्स। क्या होगा? बिट्स फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, वैलिड मोड फॉर ओपनिंग अ फाइल परमिट रीड एंड राइट जे केलॉग। यहाँ पे आंसर क्या होगा? फाइल को ओपन करने या रीड करने या लिखने के लिए ये सुविधा देता है, कौन करता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज के, W+। W+ के द्वारा हम रीड एंड राइट कर सकते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रिंट फंक्शन यूजेस नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। प्रिंट फंक्शन आर्गुमेंट का उपयोग करता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जो आर्गुमेंट्स होंगे तो आंसर क्या होगा? चेंज, टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ई, वेरिएबल। क्या होगा? वेरिएबल। यहाँ पे आंसर इज ई। कैन बी यूज एज बोथ बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर्स। तो आंसर इज ऑपरेटर। ऑपरेटर को हम यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर दोनों में यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर इज सी, लिंक लिस्ट कैन बी क्रिएटेड। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डायनेमिकली, लिंक लिस्ट एक हम डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 34, लूप इन वेरियंट्स आर एसर्शन दैट रिमेन बिफोर एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ लूप्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इज ओ, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फाइल डिस्क्रिप्टर इज। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एल, एन इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पॉइंटर आर्गुमेंट इनेबल अ फंक्शन टू एक्सेस एंड ऑब्जेक्ट डिफाइन इन द कॉलिंग रूटीन। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द फंक्शन गेट कैर रिटर्न्स व्हेन देयर इज नो मोर इनपुट करेक्टर। फंक्शन गेट कैर रिटर्न करता है जब उसे इनपुट के रूप में कोई भी करेक्टर नहीं मिले। क्या रिटर्न करता है? तो आंसर इज एम। क्या रिटर्न करता है? एम, एंड ऑफ फाइल। क्लियर? एंड ऑफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉइंटर कैन बी कास्ट टू विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज वाइट पॉइंटर। आंसर इज जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट द यूज ऑफ फंक्शन अक्रॉस डिफरेंट फाइल स्टोरेज क्लास इज यूज्ड। दूसरी फाइलों में फंक्शन का उपयोग को रोकने के लिए स्टोरेज क्लास का उपयोग किया जाता है। किस स्टोरेज क्लास का उपयोग किया जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर इज जी, स्टैटिक स्टोरेज क्लास। क्या होगा? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 40 क्वेश्चन, ऑपरेटर, ये ऑपरेटर किस, जो साइन दिया हुआ है, जो सिंबल यूज किया गया है, ये किस ऑपरेटर का है? तो यहाँ पे आंसर क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आंसर इज टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये? तो क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का यूज किया गया है, तो कौन सा ऑपरेटर है? टर्नरी ऑपरेटर। तो आंसर इज बी। क्लियर?
आई होप आपको समझ में आया हो। इसी तरह हम डेली 14 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जब तक कि एग्ज़ाम हो नहीं जाते। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।